नमस्कार दोस्तों, बोनसाई केसरी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज मेरे घर आया था, मेरी मम्मी के घर एक्चुअली, तो उनके पास एक बोनसाई है, फाइकस, और ये 22 इयर्स ओल्ड है। आप इसका रूट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वाह, चाइनीज बनियन है ये, और जबरदस्त रूट स्ट्रक्चर है इसका, जबरदस्त इसके ब्रांचेस हैं। केवल क्लिप एंड ग्रो से ये ग्रो किया गया है। दिखाता हूँ, इसका हार्ड प्रूनिंग भी की गई है। देखिए यहाँ पे हार्ड प्रूनिंग का कट लगे हुए हैं। सिर्फ क्लिप एंड ग्रो है, कोई वायरिंग नहीं है। पीछे से भी देख लेंगे एक बार रूट स्ट्रक्चर, और कोई बोनसाई सॉइल में भी नहीं, केवल गार्डनिंग सॉइल में लगा हुआ है। तो लीव ड्राई हो गए, इनको हटा दो। सिंपल फर्टिलाइजर, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये, कभी भी कटिंग करके लगा दीजिए। मैं इसकी कटिंग भी दिखाता हूँ, जो इसकी आई थिंक 1 ईयर ओल्ड कटिंग्स हैं, वो भी अपने आप में प्लांट बन चुके हैं। देखिए उसी मदर प्लांट की ये कटिंग्स हैं, फाइकस प्लांट की, चाइनीज बैनियन भी बोलते हैं इसको। और ये है मदर प्लांट बड़ा वाला, और ये उसकी कटिंग्स हैं, 1 ईयर ओल्ड हैं। और 1 ईयर में देखिए, 1.5 ईयर भी शायद हो सकता है, 1.5 ईयर में इसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट एक ट्री की जैसे हो गई है। सिर्फ क्लिप एंड ग्रो रीपॉटिंग गार्डनिंग सॉइल में, कोई बोनसॉइल मिक्सचर नहीं है, सिंपल गोबर की खाद, अपने आप ही ये बढ़ता है। बहुत ही शानदार ग्रोथ होती है इसकी। तो इसमें से मैं भी एक कटिंग निकाल के ले जाता हूँ और बेंगलोर में लगाऊंगा। बहुत ही हार्डी होती है, आप कटिंग करके इसको अपने साथ 2-3 दिन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ट्रैवल करने में भी फिर से आराम से जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो होपफुली मेरा भी 2 ईयर्स के अंदर इस टाइप का बोनसाई रेडी हो जाएगा, ठीक है, है ना। मस्त लग रहा है एकदम, फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी लो मेंटेनेंस, और बहुत ही शानदार दिखने वाले बोनसाई। चलिए तो आप लोग बनाइएगा।